ওম শান্তি ভোলে বাবা সে বাবা মিঠে বাবা প্যারে বাবা परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु ज्ञान के सागर गुणों के सर्व सर्वशक्तिमान जिनकी महिमा है अपरम पार उनकी शिव जयंती के उपलक्ष्य की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं ये त्योहार हर मन की कामनाएं पूर्ण करने वाला है गरीब को साहूकार बनाने वाला है दुखी को सुखी बनाने वाला है आत्मा को सिद्धि स्वरूप बनाने वाला है अत्यंत श्रेष्ठतम पर्व है महाशिवरात्रि और इस शिवरात्रि के पर्व पर सर्वभक्त जन मंदिरों में कुछ विशेष पूजा सामग्री भोले बाबा पर अर्पित करते हैं है ना? ऐसी पूजा सामग्री किसी यज्ञ में यूज नहीं होती किसी देवता के पूजन में नहीं होती किसी के जन्मदिन पर हम ऐसी सामग्री कभी नहीं लेकर आते Hmm? क्या सोचते हैं कि शिव बाबा को यही पसंद है क्या अक का फूल जो जंगली भी है जिसमें कोई खुशबू भी नहीं है धतूरा भांग बेलपत्र फलों में भी क्या बेर पानी मिश्रित दूध प्योर भी नहीं लगाते कई बार तो कई बार तो जल ही अर्पित कर देते हैं तो ऐसी सामग्री जिस पर हम अर्पित करते हैं उसके बाद भी वो हमसे प्रसन्न हो जाता है तो बहुत ही विचित्र अर्पण सामग्री हम तैयार करते हैं कई लोग इस दिन बलि भी चढ़ाते हैं बेलपत्र चढ़ाते हैं बलि भी चढ़ाते हैं तो इन सब चीजों के पीछे रहस्य क्या है क्या सच में ये शिव बाबा को प्रसन्न करने वाली सामग्री है या फिर उस भोले भंडारी ने उस ज्ञान सागर ने इन सब सामग्रियों के पीछे भी कोई रहस्य छिपा कर रखा है आज उन रहस्यों को हम खोल देते हैं कि जानना बहुत जरूरी है तब मनाने का आनंद आता है तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो जाने से पहले मंदिर में तो जाएंगे पर मन के अंदर देखना बहुत जरूरी है किस भावना से जा रहा हूं भावनाएं शुद्ध हैं तो मंदिर से पहले मन के अंदर झांको सबके लिए श्रेष्ठ है किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी तो नहीं है जब अंदर ये शुभ भाव होगा शुद्ध भाव होगा तब मंदिर में जाने का भी आनंद आएगा तब मंत्र उच्चारण करेंगे तो मन पर मंत्र मन पर नियंत्रण भी होगा नहीं तो मुख मंत्रोच्चारण करेगा और मन भटकता रहेगा मुख से बोलेंगे ओम नमो शिवाय और अंदर ये आए वो आए यहां ना जाए वहां जाए ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी होता है ना साथ ही हम जब जाते हैं तो जल अर्पित करते हैं सबसे पहले जरूरी अर्पण करना अर्पण यानी सब कुछ दे देना पूरी तरह न अंश रहे न वंश रहे तो अंतर का शुद्धिकरण करना अंदर का ज्ञान जल अर्पित कर देना शुद्ध भावनाएं अर्पित कर देना ये है जल और दुग्ध अर्पित करना लोग बलि चढ़ाते हैं बलि क्या हम बेलपत्र चढ़ाते हैं क्या चढ़ाना है कौन सा बलिदान देना है वो बकरे की बलि चढ़ाते हैं हम वो जो बकरा मैं 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 करता है ना उसकी बलि चढ़ाते हैं शिव बाबा भोला बाबा सदा राजी है कोई कार्य रुक नहीं सकता आत्मा कभी भी हार खा नहीं सकती सफलता निश्चित है क्योंकि खुद पर और अपने भोले बाबा पर हमें संपूर्ण निश्चय है तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाते हैं तो इस बार महाशिवरात्रि पर स्थूल रूप में ही अर्पित मत करना चीजें परंतु इन सूक्ष्म गहरी विकृत भावनाओं को भी अर्पित कर देना करेंगे वो तो छोटे छोटे बेर लाके रख देते हैं अंदर का वैर नहीं अर्पित करते तो अंदर की वैर भावनाएं अर्पित करनी है केवल बेर नहीं बैर भी अर्पित करना है कर सकते हैं ना। ये शिव बाबा को भोले बाबा को प्रिय है क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से ही सब बच्चों का कल्याण हो सकता है तो इस बारी महाशिवरात्रि पर हम नए ढंग से नई रीति नई सामग्री नई रस्मों के साथ शिव भोले बाबा का जन्मोत्सव मनाएंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी शिवरात्रि से संबंधित हम बचपन से सुनते आए कि एक बार एक शिकारी जंगल में जा रहा था तो अंधियारा हो गया परंतु सारा दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला बाद में उसे एक हिरण दिखाई दिया उस पर निशाना साधा तो हिरण ने कहा कि हे शिकारी मुझे मारोगे तो मेरे परिवारजन वाले बड़े दुखी होंगे मैं एक बार उन सब से इजाजत लेकर आना चाहता हूं तो तुम मेरा इंतजार करो जब तक मैं आता हूं जब उसने बहुत शिकारी को कहा बार बार कहा तो शिकारी को भी दया आ गई और उसने कहा कि मैं तेरा इंतजार यही करूंगा तो शिकारी एक पेड़ पर जाकर बैठ गया विश्राम करने लगा बाद में जब हिरण अपने परिवारजनों से मिलने गया तो उसका सारा परिवार उसके साथ आ गया कि यदि आप मरोगे तो हम आपके साथ मरेंगे परंतु उसके इंतजार में रात्रि भर उस उश, शिकारी जिस पेड़ के ऊपर विश्राम कर रहा था उसके नीचे उसके नीचे एक बहुत ही सुंदर छोटा सा शिवलिंग था उसे पता नहीं चला और रात भर शिकारी के विश्राम करने से उस शिवलिंग पर पत्ते धीरे धीरे गिरने लगे वर्षा ऋतु थी तो पेड़ों से रिस-रिस कर पानी भी गिरने लगा जाने जाने-अनजाने शिकारी ने शिव की आराधना पूजा कर दी और उस अनजाने में कही करी गई पूजा के फल स्वरूप शिव भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उन्होंने शिकारी को कहा कि बोल क्या मांगता है तो शिकारी की मनवांचित इच्छाएं शिव भोले बाबा ने पूरी कर दी बाद में जब शिकारी ने उस हिरण के झुंड को देखा, तो हिरण का भी धन्यवाद किया और उसे छोड़ दिया क्योंकि शिकारी का जीवन शिव भोले बाबा की कृपा से बदल गया उसके अंदर की वृत्तियां बदल गई अंदर की पशुता बदल गई उसमें रहम भाव प्रेम भाव सबके प्रति शुभ भाव उत्पन्न हो गया तो ऐसे भोले बाबा जिनकी है तो कहानी परंतु जिनकी कृपा से जीवन परिवर्तन हो जाता है इंसान की अंदर की पशुता मिट जाती है जिसके कारण ही उनके एक मंदिर का नाम पशुपति नाथ भी रखा गया है आत्मा ही अब इस समय पशु है पशु अर्थात जो बंधी हुई है विकारों के माया जाल में बंधी हुई है तो जब पतियों का पति पिताओं का पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो आत्मा की उस पशुता को खत्म कर देते हैं आत्मा को जंगल के कांटे से फूल बना देते हैं इसीलिए उनके एक मंदिर का नाम बबुलनाथ भी है तो शिव बाबा जिसने भक्ति मार्ग में खेवैया भी कहते हैं गाइड भी कहते हैं कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ हे खेवैया जो आत्मा को विषय सागर से शीर सागर की ओर ले जाते हैं अद्भुत श्रेष्ठ सर्वोच्च ज्ञान देकर उसे सृष्टि रंगमंच पर श्रेष्ठ कर्म करने का रास्ता बताते हैं शिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि इस दिन परमात्मा शिव ने हलाहल पान किया था यानी समुद्र मंथन के दौरान जो विष निकला उसे परमात्मा शिव ने धारण किया वास्तविकता में वो परमपिता परमात्मा शिव जो निराकार है उनका कंठ नीला होना तो संभव नहीं है परंतु हां जो विषय विकार हम सच्चे दिल से परमात्मा को अर्पित करते हैं जो अंदर के दुख दर्द पश्चाताप अंदर की द्वेष भावनाएं दुखदायी वृत्तियां अकधतूरा बेलपत्र के रूप में हम भोले बाबा को अर्पित करते हैं वो परमात्मा उसको अपने भीतर धारण कर लेते हैं ऐसा नहीं कि उसे धारण करने के बाद वो अशुद्ध हो जाते हैं जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाता है वैसे ही हम कितना भी अपने अंदर का माइनस नकारात्मक भावनाएं नेगेटिविटी उसको अर्पित करें शिव भोले बाबा पर उसका असर नहीं होता वो हमें फिर भी अपना मानते हैं अपना बनाते हैं अपना ज्ञान अपने गुण अपनी शक्तियां अपना प्यार अपना आनंद हम पर लुटाते हैं तो ऐसे भोले बाबा की सच्ची शिवरात्रि सच्चे अर्थ में हम सबको मनाना चाहिए जो हमसे दुख लेकर हमें सुख देते हैं जो हमारे अंदर की निंदा स्वीकार करके हमें स्तुति योग्य बनाते हैं तो चलिए कुछ पलों के लिए शिव भोले भंडारी को याद करें उन पर अपने अंदर के अक धतूरे को चढ़ा दें और खुद पावन हो जाएं। बैठते हैं उस पवित्रता के सूर्य के सानिध्य में महसूस करें स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य अपने सत्य स्वरूप में मन और बुद्धि को देह दुनिया कर्मों से पूर्ण रीति निवृत्त करें एकाग्र हो जाए देखे खुद को परम ज्योत परमात्मा शिव की संतान जो दिबिंदु आत्मा हो आज सच्चे अर्थों में भोले बाबा पर अपने भीतर का कड़वापन जंगली वृत्तियां वैर भावनाएं अंदर का विष अर्पित कर देना चाहती हूं महसूस करें शिव की पिंडी पर स्थूल सामग्री के साथ साथ मैं आत्मा परम ज्योति को आंतरिक सब विषय विकार अर्पित कर रही हूँ अंदर का मैंपन मेरापन मेरा पन सब तेरा कर रही हूँ वो मेरे भोले बाबा ये सब आप ले लो आंतरिक दरिद्रता स्वीकार कर मुझे अपने अंतर का ज्ञान अंदर का प्रेम अंदर का सुख दे दो महसूस करे जैसे वर्षा ऋतु में धरती तृप्त हो जाती है सुगंधित हो जाती है बिल्कुल ऐसे शिव ज्योति से सुखों की वर्षा शांति की वर्षा प्रेम की वर्षा मुझ पर हो रही है वरदाता मुझसे प्रसन्न होके मुझे वरदान दे रहे हैं सदा विजयी भावा, सदा सफलता मूर्त सर्व प्राप्ति संपन्न भावा सर्वशक्ति संपन्न भावा स्वीकार करते जाए इन दिव्य वरदानों को भीतर समाते जाए इन दिव्य शक्तियों को और बारंबार उस शिव भोले भंडारी का दिल से धन्यवाद करें शुक्रिया बाबा तहे दिल से शुक्रिया ओम शांति